तो एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम सब बात करने वाले एक बहुत ही बढ़िया सिंगर के बारे में, मतलब बहुत ही बढ़िया सिंगर के बारे में। और ये जो सिंगर है ना भाई, ये ढिंचक पूजा को भी कम्पीट कर सकता है। और भाई ये जो गाने हैं ना, ये सारे गाने का जो लेजेंड है ना, वो है ये बंदा। हाँ भाई, ये बंदा बहुत ही बढ़िया गाना गाता है, मतलब बहुत ही बढ़िया गाना गाता है। और इस बंदे में और ढिंचक पूजा में फर्क इतना है कि ढिंचक पूजा हिंदी में गाना गाती है, और ये जो बंदा है वो गाना गाता है इंग्लिश में। अरे भैया, इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में। तो चलो भाई, इस बंदे का एक गाना सुन लेते। इस गाने का नाम है इट्स माय लाइफ व्हाट एवर आई वाना डू। और ये गाना सुनने के लिए हमें 2012 में जाना पड़ेगा, वो भी टाइम ट्रैवल करके। तो भाई चलो, इस बंदे का ये गाना हम लोग सुन लेते हैं। छोटू लगाना। अरे भाई बता, किसको लगाओ? कब से लगाने का मन कर रहा है? लगाने के लिए कौन है भाई? किसको लगाओ बताना। अश्लील है ये लौंडा। तो चलो भाई सुन लेते हैं। हे, आर यू गोइंग टू सिंग? या, बट इट्स नॉट अ सॉन्ग, इट्स माय लाइफ। ओ भाई देख रहे हो यहाँ पर पहले कितना क्रिंज है, इस लड़की को देखो। ए, आर यू गोइंग टू सिंग? नो, बट इट इज नॉट ए सॉन्ग, इट्स माय लाइफ। मतलब अगर हिंदी में बोले तो ये मेरी जिंदगी है, ये कोई गाना नहीं है। ओके भाई ठीक है, चलो इस बंदे का जो जिंदगी है वो सुन लेते हैं हम, ये बंदा क्या कहता है। अबे प्रोड्यूसर, तू उंगली मत कर, मैं बता देता हूँ। तू उंगली मत कर, उंगली क्यों करता है? अबे तूने फिर से उंगली किया, और ये सिंगर भी उंगली किया। अबे उंगली मत कर, मैं बता रहा हूँ, उंगली मत कर। अरे भाई अब ये मैंने क्या देख लिया, मतलब सूर देने की स्टाइल देख रहे हो? मतलब क्या है भाई ये क्या है? नहीं मतलब भाई हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जो सिंगर है ये गाना गाने आया है या उंगली दिखाने आया है? मतलब ये प्रोड्यूसर सिंगर सब लोग मिलके भाई उंगली पर ये ऐसा कर रहा है भाई, क्या हो रहा है भाई? मजाक है क्या? और भाई यहाँ पर साइड में ये जो लड़की है वो भी मन ही मन बोल रही होगी, ए क्या कर रहा है, उंगली क्यों करता है बार बार? गाना गाने आया है, गाना गा BSDK। BSDK का मतलब है भाई साहब डरा कर। ओ भाई यहाँ पर लिरिक्स देख रहे हो, कितना बढ़िया लिरिक्स है। मतलब इट्स माय लाइफ व्हाट एवर आई वाना डू, मतलब मेरी जिंदगी है, मैं जो मर्जी वो करूँ। इट्स माय लाइफ व्हेयर एवर आई वाना गो, मतलब मेरी लाइफ है, मैं जहाँ मर्जी वहाँ जाऊँ। क्या बात है ना भाई, तू जो मर्जी वो कर, बस तू गाना मत गा भाई, बस तू गाना मत गा। और भाई ये बंदा गाना गाने के बाद ये क्या कहता है? ओ मतलब भाई क्या है ये, मतलब क्या है ये? ओ कह के क्या समझाना चाहता है? अरे भैया मुंह बंद कर, मच्छर घुस जाएंगे भाई। ढिंचक पूजा यहाँ पर पप्पी दे देगी भाई, क्या करता है? भाई यहाँ पर गाना देख रहे हो, कितना बढ़िया गाना है, कितना बढ़िया लिरिक्स है। मन तो करता है ये जो है ना मेरे हाथ में ये माइक वाइक जो भी है, इसे फेंक के नाचने लगूं। भाई छोटू मेरे ख्वाहिश पूरी कर दे भाई, म्यूजिक लगा, मैं इसे छोड़ देता हूँ। अरे भाई यहाँ पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर सिंगर कौन है, ये या फिर ये लड़की? मतलब भाई क्या हो रहा है, ये लड़की बीच बीच में आके इंग्लिश झाड़ती है। मतलब इंग्लिश झाड़ने की कोई जरूरत नहीं, ठीक से बोलो इंग्लिश, इतनी तरपा तरपा के बोलने की क्या जरूरत है? और भाई यहाँ पर इस गाने पे तुम्हें और कुछ बढ़िया बढ़िया लिरिक्स दिखा देता हूँ भाई, लिरिक्स पे ध्यान से ध्यान देना भाई, बहुत ही बढ़िया लिरिक्स है आगे। ओ भाई क्या बात है, देख लिया ना क्या बढ़िया लिरिक्स है, सुन लिया ना, समझ लिया ना? समझ में आया क्या?
अगर नहीं समझाए तो मैं बता देता हूँ, माई मादर सीज मी एंड शी ऑलवेज बादर, क्या बात है, लिरिक्स देख रहे हो, और इसके आगे देखो भाई इस बंदे ने क्या कहा, माई फादर ट्रस्ट मी एंड ट्रीट्स लाइक हिज फादर, अगर इसे हिंदी में बोले तो मेरा बाप मुझे विश्वास करता है और इस तरह से ट्रीट करता है कि मैं मेरे बाप का भी बाप हूँ, क्या बात है भाई, लिरिक्स देख रहे हो, मैं मेरे बाप का भी बाप हूँ, क्या बात है ना। अरे भाई अब ये किस तरह का लिरिक्स है, आई एम ए वेरी गुड बैड बॉय मतलब क्या है भाई, इसका मतलब तो बता ही दो, यहाँ पर मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ, आई एम ए वेरी गुड बैड बॉय, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। अरे भाई यहाँ पर जो बैड बॉय था आई एम ए वेरी गुड बैड बॉय, वो बैड बॉय कहाँ पर गया, क्योंकि भाई लड़कियां जो होती है आजकल की वो बैड बॉय को पसंद करती है भाई, बैड बॉय को। और भाई कभी कभार तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ, ये जो सुंदर अति सुंदर साक्षी लड़कियां होती है ना, उनकी किस्मत खराब है, या फिर जो लड़के गांजा फूकते हैं रस्ते में गुटखा चबाते हैं उनकी किस्मत अच्छी है, क्योंकि भाई ये सारे लड़के ना जो गांजा फूकते हैं गुटखा चबाते हैं, सारे सुंदर सुंदर अति सुंदर साक्षी लड़कियां पटाखे ले जाते हैं, और यहाँ पर हम जैसे लोग। और भाई तुम लोगों को याद है ना ये बंदा ये गाना शुरू करने से पहले क्या कहा था, इट इज नॉट ए सॉन्ग इट इज माई लाइफ, बट इट्स नॉट ए सॉन्ग इट्स माई लाइफ। तो यहाँ पर तो इस बंदे ने अपना पूरा लाइफ स्टोरी सुना दिया है, पर अभी तक इस बंदे ने ये नहीं कहा कि ये बंदा कौन है। अरे भाई अपने आप को इंट्रोड्यूस कर भाई, तू कौन है। अरे भाई चुप हो जा भाई, ये मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुझसे पूछा कि तू कौन है भाई, बताने की कोई जरूरत नहीं भाई, बताने की कोई जरूरत नहीं भाई, चुप हो जा भाई, ये सब क्या बोल रहा है, आई एम ए डे ड्रीमर, आई एम ए नाइट थिंकर, आई एम ए ब्रेन ईटर। अरे भाई सच में तूने मेरा भेजा फ्राई कर दिया है भाई, अब तो चुप हो जा। अरे भाई इसे क्या हो गया है भाई, कोई तो रोक लो, ये क्या कह रहा है, आई एम स्मार्ट चीटर, आई एम स्टीलर, आई एम पेन किलर, मतलब ये पबजी वाला है क्या, मतलब क्या शुरू कर दिया है, कोई तो रोक लो। अरे भाई चुप हो जा भाई, और जानने की कोई जरूरत नहीं भाई, तू और क्या क्या है भाई, तू और क्या है, मैं माता चूंग। तो गाइस ये गाना मैं और नहीं सुन सकता, तो ये वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बेल आइकन है ना प्लीज उसे जोर से दबाओ, और अगर मुझसे कोई बातचीत करना चाहते हो, नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो क्या कर रहे हो भाई, ये है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट, जाओ जाके अभी के अभी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे छोटू हिलाना खत्म हो गया है, तो चल अब ये सॉस बॉस जो मैंने लगाया है ये साफ कर।